नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद काफी बेतुके और शर्मनाक बयान देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और टीम के बॉलिंग कोच रहे बकार यूनिस ने भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने मोहम्मद रिजवान के मैच के दौरान नमाज पढ़ने को शानदार लम्हा बताया था। हालांकि विरोध के बाद अब उन्होंने अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांग ली है। बकार ने कहा कि उन्होंने आवेश में आकर ऐसी बात बोल दी थी, वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। बकार यूनिस ने ट्वीट कर लिखा, आवेश में आकर मैंने ऐसी बात कह दी, मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, जिससे काफ़ी लोगों की भावनाएं आहत हुई, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं था, सच में गलती हो गई। खेल लोगों को रंग और धर्म से हटकर जोड़ने का जरिया है। बता दें कि बकार ने भारत पाक मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान के नमाज पढ़ने को लेकर कहा था कि हिंदुओं के बीच मैदान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज का नमाज अदा करना बहुत खास था। उनके इस बयान से सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी नाराज दिखे। वहीं बकार के कमेंट पर भारत के स्टार कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी नाराजगी जाहिर की। हर्षा भोगले ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। उन्होंने बकार यूनिस से माफ़ी मांगने की बात कही। हर्षा भोगले ने कहा कि हमें क्रिकेट की दुनिया को जोड़ने की ज़रूरत है, धर्म से बांटने की नहीं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।